हेलो एवरीवन। सो टुडे आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम लोग एग्रोनॉमी का फर्स्ट क्रॉप आपका करेंगे, ठीक है। सबसे पहली क्रॉप कौन सी आपकी? राइस। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग योर राइस। तो सबसे पहले एग्रोनॉमी में जो बात होती है जाने वाली, वो ये है कि हम यहाँ पढ़ने क्या क्या वाले हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले सीरियल्स को कंप्लीट करेंगे, ठीक है, जिसमें आपका मेनली हम लोग राइस करेंगे, वीट करेंगे, मेज करेंगे और मिलेट्स करेंगे, ठीक है। ये मिलेट्स आपके माइनर मिलेट्स, मेजर मिलेट्स दोनों कवर होंगे, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना इम्पोर्टेंट है उतना उतना सर। कुल फिर आता है आपके ऐसी क्रॉप जिसमें हम लोग, जैसे कि आपका मस्टर्ड हो गया है ना, मस्टर्ड हो गया है, रेपसीड हो गया है, आपका ग्राउंडनट हो गया है ना, लिनसीड हो गया, सनफ्लावर हो गया, इनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और भी कुछ कुछ रहेंगे आपके, ठीक है। फाइबर में हम लोग मेनली कॉटन और जूट के बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर आपका शुगर क्रॉप्स में हम लोग मेनली आपका शुगर केन के बारे में डिस्कशन करेंगे, है ना। और पल्सेस में आपके कुछ कुछ पल्सेस हैं जो इंपॉर्टेंट बातें हैं पल्सेस के रिगार्डिंग, सिर्फ वही हम डिस्कस करेंगे, ओके। फिर आपके फॉडर आ गया जो हम लोग डिस्कस करते हैं, है ना, आपका सिस्बेनिया हो गया और भी सारे ग्रीन फॉडर्स सब डिस्कस हम लोग करेंगे। अच्छा, ग्रीन फॉडर्स हो गया, ब्राउन मेन्योरिंग क्रॉप, ग्रीन मेन्योरिंग क्रॉप्स, ये सारी चीजें आपका इसके अंदर थोड़ा बहुत डिस्कस होंगी। तो ये रहा आपका पैटर्न, हम क्या चलने वाले हैं, ठीक है। इसमें मेनली आपको ध्यान में क्या चीज रखना है कि कौन सी आपकी खरीफ सीजन की है, खरीफ सीजन की है, कौन सी रबी की है और कौन सी जायद की है। खरीफ की कौन सी होती है? वो होती है जो कि आपका बरसात के मौसम में, राइट, मॉनसून के टाइम पे ग्रो होती है। यानी कि उसे मॉनसून के समय में इसीलिए ग्रो किया जा रहा है क्योंकि उसकी वाटर रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा है। ये चीज आपको दो पॉइंटर्स अभी ध्यान में रखने हैं बस। बाद में जब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे ना, आपके मेजर टॉपिक्स हम लोग जब डिस्कस कर चुके होंगे, सारी क्रॉप्स को कंप्लीट कर लेंगे, तब हम आपकी अलग अलग टाइप की बातें करेंगे। कैसी बातें? तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन, ठीक है, कैसे कैसे हमने क्रॉप्स को बांटा हुआ है, लाइक क्रॉपिंग पैटर्न के ऊपर कि एनुअल है, बाइनियल है कि पेरिनियल है। फिर हम बात करेंगे कि वो आपका डाइकॉट है कि मोनोकॉट है, फाइब्रस है कि आपका ये टैप रूटेड है, ओके। और ऐसे अलग 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 तरीकों से हम लोग बांटेंगे, क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे। तो वहां पे हम लोग खरीफ, रबी, जायद के बारे में भी डिस्कस करेंगे, शॉर्ट डे, लॉन्ग डे, डे न्यूट्रल प्लांट्स, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो वो चीज अभी आप टेंशन छोड़ दो, मेन अभी हम लोग कल्टीवेशन पे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही, कोई एक्स्ट्रा बातें नहीं, जितना जितना इंपॉर्टेंट है बस, ठीक है, उससे ज्यादा डिस्कस नहीं करने वाले हैं। तो ये छूट गया मैम, वो छूट गया, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए वो छूट गया, ओके। ये डिस्कस करेंगे कल्टीवेशन, मतलब ये पूरा करने के बाद मैंने आपको बताया। फिर उसके अलावा हम क्या डिस्कस करेंगे? उसके अलावा हम लोग कुछ क्रॉप्स के बारे में, जैसे कि आपका एरिएबल क्रॉप हो गई, आपकी ब्रेक क्रॉप हो गई, राइट, एरिएबल क्रॉप हो गई, आपकी ब्रेक क्रॉप हो गई, आपकी एग्यूमेंटिंग क्रॉप हो गई, सिनर्जिस्टिक क्रॉप हो गई, कंपेनियन क्रॉप हो गई, कॉम्पिटिटिव हो गई, और कौन सी होती है आपकी, कॉम्प्लीमेंट्री हो गई, सप्लीमेंट्री हो गई, है ना, एग्जॉस्टिव हो गई, रिस्टोरेटिव हो गई, सॉइल इरोजन परमिटिंग हो गई, सॉइल इरोजन रिस्ट्रिक्टिंग क्रॉप्स हो गई, आपकी कंटोर क्रॉप्स होती है जो वो हो गई, स्मूदर क्रॉप्स हो गई, ट्रेंच क्रॉप हो गई, डिटर्मिनेट क्रॉप्स और इनडिटर्मिनेट क्रॉप्स, और ऐसे बहुत सारे हैं, लगभग आपके 2020 और 2025 के अराउंड है अलग अलग टाइप ऑफ क्रॉप्स। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और उसकी डिटेलिंग को समझेंगे, ठीक है। फिर कुछ टर्मिनोलॉजीज को भी हम डिस्कस करेंगे, जैसे आपका क्रॉपिंग हो गया, है ना, आपका डी ट्रैशिंग हो गया, डी सकरिंग हो गया, डी टैसलिंग हो गया, क्यूरिंग हो गया, और कुछ टर्म्स जो आपके दिमाग में आ रहे हो, लाइक आपका टिपिंग हो गया, प्रूनिंग हो गया, है ना, और मटोकिंग हो गया, इन बनाना की जाती है, ब्यूशनिंग हो गया जो कि राइस में भी हम पढ़ेंगे करते हैं, ऐसे कुछ कुछ चीजें, रैबिंग हो गया जो कि टबाको में की जाती है। ये सारी चीजें हम लोग साथ साथ डिस्कस करेंगे। और फिर एग्रोनॉमी में इसके बाद जो लास्ट टॉपिक रहेगा वो आपका प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स होंगे, ठीक है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होंगे जिसे हम डिस्कस करेंगे, और फिर आपका एग्रोनॉमी हो जाएगा कंप्लीट। तो मान लो एक एक क्रॉप को हम लोग एक एक दिन दे रहे हैं और फिर इन चीजों को एक एक लेक्चर लगेगा, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि एग्रोनॉमी कितने दिन में आपका फिनिश हो जाएगा। तो चलिए, ये हो गया थोड़ा सा इंट्रो कैसे हम स्टार्ट करने वाले हैं। अब हम क्या डिस्कस करेंगे? अब हम कल्टीवेशन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम कल्टीवेशन किसका करने वाले हैं? राइस का करने वाले हैं, ऑफ कोर्स, है ना, वेरी ऑब्वियस थिंग, वी नो दिस। राइस जिसे हम क्या कहते हैं, ओराइजा सटाइवा कहते हैं। इंट्रोडक्शन, ओरिजिन, देखो अब जितना काम की चीज है वही लिखी है, तो ओरिजिन प्लेस आपको ध्यान में रहना चाहिए, क्या चीज, कि आपका साउथ ईस्ट एशिया है, क्या है इसका ओरिजिन प्लेस। क्रोमोसोम नंबर राइस का 24,
ठीक है, 2n = 24। 90% ऑफ वर्ल्ड एरिया जो है वो आपका राइस कल्टीवेशन के अंदर एशिया में आता है, एशिया में आता है, और उसमें भी आप कह सकते हो कि 90% ऑफ वर्ल्ड राइस इज प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड इन एशिया। अच्छा, और राइस में मेन जो बातें आपसे पूछी जाती है इंपॉर्टेंट, वो ये हो जाती है कि इसमें प्रोटीन कितना है। प्रोटीन इसमें 6 से 7% है, और ओराइजिन इज द प्रोटीन, ठीक है, ओराइजिन जो कि राइस के अंदर प्रेजेंट होता है। फैट तो 2 से 2.5% होता है, और कार्ब्स इसमें 77 से 79% रहते हैं। तो आपसे ये ओरिजिन, ठीक है, क्रोमोजोम नंबर, और ये चीजें आपसे पूछ ली जाती है कि इसमें कितना प्रोटीन कंटेंट रहता है, कौन सा रहता है, ठीक है, ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान में रखोगे। एंड अगेन वन इम्पोर्टेंट पॉइंट, दैट इज कि आपके राइस फील्ड से जो गैस इमिट होती है वो कौन सी होती है, वो होती है CH4, दैट इज योर मीथेन। तो ये ध्यान में रखना है कि राइस की फील्ड से मीथेन गैस रिलीज होती है। टेक्सोनॉमी की अगर बात करें तो जो राइस है ना, वो आपका फैमिली पोएसी को बिलोंग करता है, सब फैमिली में बैम्बू सुडेई को बिलोंग करता है, और ट्राइब आपका ओराइजिया है। मैम ये सब में याद करने की जरूरत है? नहीं, जिसमें इंपॉर्टेंट है उसी में मैं बस डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। अगर आप PYQ निकालते हैं तो एक स्टेट PYQ में ये पूछा हुआ है, ठीक है, ये पूछा हुआ है, और ये तो बहुत ही ज्यादा कॉमन है, पूछा हुआ चीज है, इसीलिए हमने इसे यहाँ पे डिस्कस किया है। तो कल्टीवेशन ऑफ राइस, फैमिली क्या है आपका पोएसी, सब फैमिली क्या है बैम्बूसिडेई, और ट्राइब क्या है ओराइजेई। अब ये जो जीनस है आपका, जैसे ओराइजा सटाइवा, हम जानते हैं ना जीनस एंड देन दिस इज योर स्पीशीज, तो हम जीनस में ओराइजा जो है इसको 4 कॉम्प्लेक्स स्पीशीज में बांटा जाता है, जिसमें से हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट है सबसे पहला वाला, दैट इज सटाइवा। सटाइवा है, ऑफिसिनालिस है ना, मेरियाना है, और आपका रिडले है, बट हमारे कंसर्न में आता है सिर्फ सटाइवा। इस सटाइवा कॉम्प्लेक्स को ही हम आगे डिस्कस करते हैं, और हम देखते हैं कि जो ओराइजा सटाइवा कॉम्प्लेक्स है ये भी 2 पार्ट्स में फिर फर्दर डिवाइडेड है, आप कह सकते हो 2 टाइप्स में डिवाइडेड है। एक है आपका, एक मिनट, यस, एक है आपका ओराइजा सटाइवा जो कि एशिया में ग्रो किया जाता है, और एक आपका है ओराइजा गैम्बरीमा जो कि अफ्रीका में ग्रो किया जाता है। अब अगली बात आती है कि मैं दोनों सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट की बात की जाए तो वो है आपका ओराइजा सटाइवा। इसलिए ओराइजा सटाइवा को हम फर्दर क्लासिफाई करते हुए डिस्कस करते हैं कि ओराइजा सटाइवा जो है उसकी 2 वाइल्ड स्पीशीज है, और वो जो है 3 टाइप से कल्टिवेबल में बटा हुआ है। 2 वाइल्ड स्पीशीज कौन कौन सी है, ओराइजा निवारा दैट इज एनुअल, एंड रफी पोगोन दैट इज पेरिनियल। अब ओराइजा सटाइवा के बारे में बात किया है, तो ओराइजा गैम्बरीमा के बारे में भी डिस्कशन है, बट इट इज ऑफ नॉट दैट मच इम्पोर्टेंस, सो यू कैन इग्नोर इट, बट मैंने आपको लिखवा दिया है। तो ओराइजा सटाइवा की 2 वाइल्ड स्पीशीज है कौन कौन सी, निवारा जो कि एनुअल है, और रफी पोगोन जो कि पेरिनियल है। और आपका कल्टीवेबल वेराइटीज की अगर बात करें, वो तो वाइल्ड वेराइटीज है, राइट, कल्टीवेबल की बात करें तो एक है आपका इंडिका जो कि इंडिया में है, एक है जपोनिका एज द नेम सजेस्ट जो कि जापान में है, और एक है आपकी जवानिका जो कि कहाँ पे है, इंडोनेशिया में है। जवानिका कहाँ पे, इंडोनेशिया में कल्टीवेट की जाती है, ओके। ओराइजा सटाइवा की 3 है। ये जो जपोनिका है ना वेराइटी, यहाँ पे मैं लिखना चाहूंगी जो आपकी जपोनिका वेराइटी है, ठीक है, ये क्या होती है, इसमें लॉगिंग कंडीशन नहीं आती है, ठीक है, ये रेजिस्टेंट टू लॉगिंग होती है, तो हम ऐसे क्रॉस कर देते हैं कि इसमें लॉगिंग का इश्यू प्रॉब्लम क्रिएट होता ही नहीं है। जो आपका जवानिका है जो कि आपका इंडोनेशिया में होता है, इसको कुछ कुछ जगह पे आपको पता है किस नाम से देखने को मिलेगा लिखा हुआ, बालू, BALU, ओके, बल्लू कह दो, बालू कह दो, और कुछ कुछ जगह पे ना इसे एज अ वाइल्ड वेराइटी भी कंसिडर किया जाता है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखना कि अगर आपको वाइल्ड में ना आपको ये निवारा दिखता है ऑप्शन, ना रिफिपोगोन दिखता है, और ना नन ऑफ दीज दिखता है, और ऑप्शन में आपका जवानिका है, तो उस पर भी थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। AFO में नहीं आएगा, बट आपको एग्जाम अभी जो मॉक्स देंगे मैं उनके लिए बात आपको बता रही हूँ, ओके। तो अगर मैं थोड़ा सा एक समराइज वे में लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकती हूँ, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, कि मैंने जैसे लिखा ओराइजा सटाइवा, सबसे पहले मैंने लिखी उसकी फैमिली, राइट, फैमिली, और फैमिली मैंने लिख दी, जस्ट अ सेकेंड, फैमिली मैंने यहाँ पे लिख दी पोएसी, ओके, फिर मैंने लिखा यहाँ पे सब फैमिली बैम्बूसुडेई, फिर मैंने यहाँ पे लिखा ट्राइब,
ठीक है, और आई जी, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, ओके आप देखो, जीनस मैंने लिखा, ओराइजा, ठीक है, ये मैंने जीनस लिखा। अब आती है स्पीशीज की बारी, है ना? तो जब मैं स्पीशीज के बारे में लिखने लगी तो मुझे पता चला कि स्पीशीज कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करते हैं तो देयर आर फोर टाइप ऑफ स्पीशीज कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सबसे पहले आपका सटाइवा, साथ साथ बोलते रहना, ठीक है ना? फिर ऑफिसिनालिस, ओ एफ लिख देती हूँ मैं, फिर मेरियाना, और लास्ट है आपका रिडले, है ना? फिर इस सटाइवा, ओराइजा सटाइवा, अब हमने देखा कि ये जो सटाइवा है ये भी आपका फर्दर जो है दो पार्ट्स में बटा हुआ है ना, दो कॉम्प्लेक्सेस है आपके ओराइजा सटाइवा के भी। कौन कौन से है वो दो कॉम्प्लेक्स? एक है आपका ओराइजा सटाइवा, राइट, और एक है आपका ओराइजा ग्लैमरीमा, ठीक है, ग्लैमरीमा। ये जो ओराइजा सटाइवा है ये आपकी इन एशिया में कल्टीवेबल वेराइटी है, और ग्लैमरीमा जो है वो आपका अफ्रीका में होता है। फिर अगर हम बात करते हैं ओराइजा सटाइवा की ही, तो ओराइजा सटाइवा की हमने देखा कि वाइल्ड वेराइटीज हैं, और ये वाइल्ड कितनी है, ये वाइल्ड भी आपकी दो है ना? कौन कौन सी है? एक एक है ओराइजा निवारा, NIVARA, राइट, जो कि एनुअल वेराइटी है, और एक है आपका ओराइजा रफी पोगोन, RUFI रफी पोगोन, जो कैसी है, जो कि पेरिनियल है। वेरी गुड, यहां से क्लियर हो गया मैम। फिर इसमें मैंने आपको बताया कि कल्टीवेबल भी, ऐसी बात नहीं है कि कल्टीवेबल नहीं है, और फिर हमने यही चीज यहाँ पे फटाक से डिस्कस किया कि जो कल्टीवेबल है ना, वो कल्टीवेबल तीन है। कौन कौन सा? इंडिका, इंडिका, जपोनिका, जपोनिका एंड आपका जवानिका, है ना? जवानिका, तो आप इस चीज को देख सकते हो, है ना? स्क्रीनशॉट लेना तो यू कैन टेक इट स्क्रीनशॉट फ्रॉम हियर, है। आगे बढ़ते हैं, तो ये हो गया, हमें एक बेसिक बात एकदम जो है ना, बहुत ही ज्यादा बेसिक बात थी वो क्लियर। चलिए बढ़िया, अब हम आगे डिस्कस कर सकते हैं आराम से। वेराइटल इम्प्रूवमेंट की अगर बात करते हैं तो ये कुछ कुछ है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सारी मैंने डिस्कस की थी है। सबसे पहले क्या है वेराइटल इम्प्रूवमेंट में? इस्टैब्लिशमेंट। ओके, सो वेराइटल इंप्रूवमेंट की बात कर रहे थे, तो सबसे पहले इस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट अलकत्ता इन 1946, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड राइस इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट वाज इस्टैब्लिश इन 1965 एट राजेंद्र नगर हैदराबाद, एंड इंट्रोडक्शन ऑफ TN1 वेराइटी थैंचू नेटिंग वन, जो कि ग्रीन रेवोल्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट मेजर रोल प्ले किया था, ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स सेमी ड्रॉफ कैरेक्टरिस्टिक एंड IR8 ड्यूरिंग योर 1965 से 1966। चलिए बढ़िया, आगे डिस्कस करते हैं हम लोग प्लांट्स के बारे में। तो अगर हम डिस्कशन करते हैं प्लांट्स के बारे में, तो यहाँ पे कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। जैसे सबसे पहली चीज क्या हो गई कि जो इन्फ्लोरेसेंस है राइस का, उसको हम क्या कहते हैं? पेनिकल कहते हैं, और इसके सीड को क्या हम कहते हैं? कैरियोप्सिस कहते हैं। प्लीज रिमेम्बर दिस, इन्फ्लोरेसेंस ऑफ राइस इज नोन एज पैनिकल एंड सीड ऑफ राइस इज नोन एज कैरियोप्सिस। सून आफ्टर सोइंग राइस सीड गिव्स आउट सेमिनल रूट्स फ्रॉम द रेडिकल, द रूट सिस्टम इज फाइबरस एंड जनरली रिमेन्स इन द टॉप 20 सेंटीमीटर। जो फाइबरस रूट है वो इनिशियली आपके जो स्टार्टिंग का आप कह सकते हो सॉइल में जो 12-20 सेंटीमीटर होता है ना, यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, है ना, इन केस ऑफ ट्रांसप्लांटेड राइस। देन टिलरिंग कंटिन्यूज ड्यूरिंग वेजिटेटिव ग्रोथ, कब तक? अप टू 60 डेज आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग। कई जगह पे डेज आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग DAT लिखा मिलेगा, तो सो डोंट गेट कंफ्यूज,
डायरेक्ट सीडेड अपलैंड लो यील्डिंग वेराइटीज हैव जनरली 3 to 4 पेनिकल्स पर प्लांट, और लो लैंड हाई यील्डिंग वेराइटीज हैव 6 to 10 पेनिकल्स पर प्लांट। ओके चलिए, अब कल्टीवेशन मेथड्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका ड्राई कल्टीवेशन और डायरेक्ट कल्टीवेशन। अच्छा, एक चीज यहाँ पे आप नोटिस करेंगे, ये आपका अपलैंड्स पे होता है। प्लांट्स कौन से होते हैं? ये वो लैंड्स होते हैं जहां पे आपका स्टेग्नेंट वाटर नहीं होता है, ठीक है। लो लैंड्स मतलब वो लैंड जहां पे आपका पानी जो है वो ठहरा रहता है, रुका हुआ रहता है, स्टेग्नेंट वाटर रहता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं आपका लो लैंड। लेकिन जहां पे ये पानी रुका हुआ नहीं रहेगा, ठीक है, या आप ये कह सकते हो कि नो स्टैंडिंग वाटर ऑन द सॉइल 48 आवर्स आफ्टर सेसेशन ऑफ रेन और इरिगेशन, दैट मींस लॉन्ग टर्म में वहां पे स्टैंडिंग वाटर देखने को नहीं मिलेगा, उसे हम क्या कहते हैं? अपलैंड कहते हैं, ठीक है। सो ड्राई सिस्टम ऑफ कल्टीवेशन कहाँ पे होता है? आपके अपलैंड्स में होता है। ये यहाँ पे जब आप ड्राई कल्टीवेशन करते हैं या डायरेक्ट सीडलिंग करते हैं तो वहां पे सीड रेट कितना रहता है? अगर ड्रिलिंग की बात करें तो ड्रिलिंग के लिए 30 से 50 केजी पर हेक्टेयर इज योर सीड रेट, एंड अगर ब्रॉडकास्टिंग आप कर रहे हैं तो 60 से 100 केजी पर हेक्टेयर सीड रेट इज रिक्वायर्ड। डायरेक्ट सीडलिंग का मतलब ही यही होता है, जब कहीं आपको डायरेक्ट सीडलिंग लिखा है तो इसका मतलब वहां पे ब्रॉडकास्टिंग की गई है, ओके, या फिर वहां पे ड्रिलिंग की गई है, सीड ड्रिल, ठीक है, यूज किया, या फिर ब्रॉडकास्टिंग, इन्हीं दोनों मेथड से वहां पे क्या किया गया है, वहां पे आपके सीड को सो किया गया है। ये होता है डायरेक्ट सीडलिंग का मतलब। यहाँ पे रो स्पेसिंग कितनी मेंटेन की जाती है? तो यहाँ पे रो स्पेस रखा जाता है लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर। अगर आपका ये ब्रॉडकास्टिंग किया है तो यहाँ पे तो सीड रेट मेंटेन करना ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग करते हैं हम लोग ऐसे ऐसे, है ना, क्रिस क्रॉस मैनर में करते हैं, तो वहां पे आपका कोई एक अप्रोप्रिएट पैटर्न नहीं है जहां पे आप कह सकते हो कि इतना रो स्पेस इतना प्लांट स्पेस रखा है। से ड्रिलिंग में भी आप रो स्पेस मेंटेन कर सकते हैं, बट प्लांट टू प्लांट मेंटेन नहीं कर सकते आप डिस्टेंस को। तो यहाँ पे हम सिर्फ रो स्पेसिंग की बात करते हैं, जो कि कितना रहता है? 15 से 20 सेंटीमीटर अपलैंड के लिए। फिर एक मेथड आता है आपका ब्यूशनिंग, वेरी 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 इंपॉर्टेंट मेथड, प्लीज कीप दिस मेथड इन योर माइंड, ठीक है। लो लैंड राइस, ये कहाँ किया जाता है? तो सबसे पहले ये ध्यान रखोगे कि ये उड़ीसा, एमपी और बिहार में किया जाता है। दिस प्रैक्टिस इन्वॉल्व्स क्रॉस प्लोइंग द यंग 4 to 5 weeks आफ्टर सोइंग विद अ लाइट कंट्री प्लो इन 10 to 15 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर वंस और ट्वाइस टू मिनिमाइज वीड्स। व्हाट डज इट से? कि आप जो है ना सोइंग के 3 से सॉरी 4 से 5 हफ्ते के बाद क्या करते हो? क्रॉस प्लोइंग कर देते हो, ठीक है, एक लाइट प्लोइंग करते हैं हम लोग फील्ड के अंदर, कब? जब वहां पे 5 से 10 सेंटीमीटर स्टेग्नेंट वाटर होता है। दैट मींस कि जब आपके फील्ड में 10 से 12 सेंटीमीटर लगभग पानी रहता है, और फील्ड में सोइंग के 4 से 5 हफ्ते बाद हम क्या कर देते हैं, जब इतना पानी मेंटेन रहता है, तब वहां 1 से 2 बार क्रॉस प्लोइंग कर देते हैं ताकि वीड को मिनिमाइज किया जा सके। तो ब्यूशनिंग कहाँ करते हैं? राइस में करते हैं। क्यों करते हैं? वीड्स को मिनिमाइज करने के लिए मेनली किया जाता है। वेरी गुड, दिस इज क्लियर, बहुत अच्छी बात है। ये देखो, यहाँ से आप कैरी ऑप्शन देख सकते हो, है ना, और यहाँ आप पेनिकल देख सकते हो, ओके चलो आगे बढ़ते हैं। और तीसरा मेथड हो जाएगा आपका वेट कल्टीवेशन। इन ट्रांसप्लांटेड राइस कल्टीवेशन फर्स्ट स्टेप इज टू हैव अ नर्सरी फॉर रेजिंग अ सीडलिंग। अब यहाँ जो नर्सरी आप रेज कर रहे हैं, या तीन तरीके से नर्सरी को रेज कर सकते हैं, ठीक है, कैसे कैसे? ड्राई सीड बेड मेथड से, वेट सीड बेड मेथड और डेपोक मेथड से। ड्राई सीड नर्सरी का क्या मतलब है? कुछ नहीं है, बस सीधी सी बात कि आप लगभग 2.5 से 3 केजी पर 100 मीटर स्क्वायर सीड रेट रखते हुए नर्सरी एक बना देते हो, खत्म बात, और कुछ नहीं। वेट सीड बेड में क्या कह रहा है कि पहले आप लैंड को प्लो करते हैं ड्राई कंडीशन में, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद पडलिंग करते हैं इन बाय प्लोइंग। इसमें बेसिकली पडलिंग का क्या मतलब होता है? जब आप फील्ड में, है ना, एक तरीके से मिक्सिंग अप कर देते हैं, किसका? आपके वाटर का और सैंड का, राइट। ये एक स्पेशल तरीके का पडलिंग, आप ये कह सकते हो कि पडलिंग जो होती है वो एक स्पेशल टाइप की टिलेज होती है। वी कैन राइट इट हियर, स्पेशल क्या होती है? स्पेशल टिलेज होती है, जो किसके लिए की जाती है? फॉर योर लो लैंड राइस, लो लैंड राइस के लिए की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? तो पडलर के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? पडलर के द्वारा की जाती है,
ये करता क्या है? तो ये पडलर के द्वारा की जाती है, और ये लगभग आपका कब करता है, जब फील्ड में आपका 5 से 10 सेंटीमीटर के आसपास पानी रहता है ना, तब हम क्या करते हैं पडलर का यूज करके वहां पे जो एग्रीगेट्स होते हैं ना, पर्ज होते हैं, उनको ब्रेक कर देते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, जो परकोलेशन लॉस है, इसे साथ साथ लिखते भी रहना, ओके? जो परकोलेशन लॉस है वो आपका मिनिमाइज हो जाता है। तो वी कैन राइट इट हेयर समवेयर, यहाँ पे लिख देते हैं, है ना, परकोलेशन। आप यहाँ पे लिख दो, लॉस जो है वो आपका कम हो जाता है ना। मॉइस्चर कंजर्व होता है, परकोलेशन लॉस अगर कम हो रहा है, दैट मींस मॉइस्चर कंजर्व ज्यादा हो रहा है। आप साथ साथ ये सकते हो कि न्यूट्रिएंट का लॉस कम हो जाता है, वीड्स जो है उनका इन्वेजन नहीं होता या खत्म हो जाता है, साथ ही साथ इजी ट्रांसप्लांटिंग होती है। ये किसके बारे में बता रही हूँ, ये मैं पडलिंग के बारे में बता रही हूँ, कंफ्यूज मत हो जाना कि मैं बता कह रही थी, ओके? इजी ट्रांसप्लांटिंग, और क्या क्या होता है, और हम क्या बोल सकते हैं कि आपका जो फॉस्फोरस होता है, आयरन होता है, एंड की एबिलिटी जो है वो भी बढ़ जाती है, ओके? इंक्रीज का साइन है ये, और ये आपका डिक्रीज का साइन था जो मैंने यहाँ पे बनाया था, ओके? वेट अ मिनट, अब क्लियर है? चलिए बढ़। सो ये आपको मैंने बताया पडलिंग के बारे में, यहाँ पे क्योंकि टर्म आया था तो हमने डिस्कस कर लिया कि पडलिंग करते क्यों है, और ये पडलिंग की जाती है, पहले फ्लो कर देते हैं फिर पडलिंग कर देते हैं, है ना, ड्राई कंडीशन में अपने फ्लोइंग की, फिर जब वेट कंडीशन हो जाती है फील्ड के अंदर, तब हम वहां पे पडलिंग कर देते हैं, और इस तरीके से हम वेट सीड बेड को बनाते हैं। नाउ डेपोक मेथड, जिसे मैट टाइप भी कहा जाता है, तो ये लिखा मिलेगा, नहीं तो ये लिखा मिलेगा, ठीक है? ये कहाँ पे डेवलप हुआ था, ये मेथड आपका फिलीपीन में डेवलप हुआ था। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम प्री जर्मिनेटेड सीड्स को लेते हैं, कितने रेट पे, 3 kg/m² के रेट पे, ओके? और उसे यूनिफॉर्मली सीड बेड्स पे लगा देते हैं। क्या करते हैं, यूनिफॉर्मली सीड बेड्स पे आपके सो कर देते हैं। सीडलिंग्स बिकम रेडी फॉर ट्रांसप्लांटिंग विद इन 12 to 24 days। अब हुआ क्या, जब आप ड्राई सीड बेड यूज कर रहे थे या वेट सीड बेड पे आप जब नर्सरी कर रहे थे, तो इन दोनों मेथड्स में ट्रांसप्लांटिंग के लिए जो है आपका कितने दिनों में रेडी हो जा रहा था, इन दोनों मेथड्स में अगर मैं बात करूं, आपका ट्रांसप्लांटिंग के लिए लगभग वो 20 से 25 days ले रहा था, ठीक है? उसके बाद आप उसे ट्रांसप्लांट कर सकते थे। बट डेपोक मेथड में, क्योंकि हम पहले से ही थोड़ी छोटी प्री जर्मिनेटेड सीड्स को ले रहे हैं, इस वजह से क्या हो जा रहा है, उसका जो ट्रांसप्लांटिंग सीडलिंग के रेडी होने का जो डेज है वो कम हो जाता है, और विद इन 12 to 14 days आपके सीड्स जो है एकदम, सीडलिंग्स जो है ट्रांसप्लांटिंग के लिए एकदम बढ़िया तरीके से रेडी हो जाते हैं। होपफुली यहाँ तक क्लियर होगा, अगर कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ लेना चैट बॉक्स में, ठीक है? ये डेपोक मेथड यहाँ पे आप देख सकते हैं। Now we are discussing age of seedlings for transplanting. Okay, age of seedlings for transplanting. So for normal transplanting, 21 से 25 days old seedlings ली जाती है, लेकिन अगर हम डेपोक मेथड, और टाइमिंग भी इसको प्रिपेयर होने में लगभग वही 20 से 25 दिन लगता है, लेकिन अगर डेपोक मेथड है तो 12 से 14 दिन में रेडी हो जाती है। ये हो गया नॉर्मली। अच्छा, नॉर्मली आपका कैसा है, ये खरीफ सीजन का है, राइट? खरीफ सीजन का है, कौन, राइस। लेकिन रबी सीजन में भी इसे ग्रो कर दिया जाता है, और तब ट्रांसप्लांटिंग के लिए 25 से 30 दिन ओल्ड राइस वैरायटी लेते हैं। अच्छा, होता क्या है ना, जैसे मार्शी सॉइल है, फॉर एग्जाम्पल आपका मार्शी सॉइल है, ओके? तो वहां पे क्या होता है ना, आपका दलदल वाली सॉइल है, वहां पे सॉइल में आपका वाटर लॉक कंडीशन मोस्टली क्रिएट रहती रहती है। कैसी कंडीशन, वाटर लॉक कंडीशन रहेगी, जिसकी वजह से क्या होता है कि ऑक्सीजन की कमी रहती है और लगभग एनारोबिक कंडीशन रहती है, ठीक है? एनारोबिक कंडीशन रहती है। अब इन सब चीजों की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे कोई भी क्रॉप जल्दी ग्रो होना नहीं चाहती है, क्यों, क्योंकि वाटर लॉकिंग कंडीशन है, यानी रूट्स के पास पानी हमेशा प्रेजेंट रहेगा, इसकी वजह से रूट्स के गलने के चांसेस है, ऑक्सीजन की कमी यानी एनारोबिक कंडीशन, यानी बहुत सारी माइक्रोबियल एक्टिविटीज जो एरोबिक है वो हो नहीं पाएंगी और एनारोबिक होंगी, और प्लस प्लांट्स को भी सर्वाइव होने में दिक्कत होगा।
तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है मार्शी सॉइल में कोई भी क्रॉप्स के ग्रो होने की, है ना। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पे एज अ सेवियर कौन आ जाता है आपका, लेट्स यूज सम डिफरेंट कलर, लेट्स ट्राई ऑरेंज वन। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सेवियर की तरह आता है राइस, और वो कहता मैं इन सब कंडीशन में ग्रो कर जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरी जो रूट्स है ना उसको सबमर्ज कंडीशन ही पसंद है। तो राइस कहती है कि मैं यहाँ पे ग्रो कर जाऊंगी, ये जो मार्शी सॉइल है इस पे मैं ग्रो कर जाऊंगी। और सबसे ज्यादा आपका जैसे कि केरला हो गया है ना, वेस्ट बंगाल हो गया, यहाँ पे सबसे ज्यादा मार्शी सॉइल देखने को मिलती है। दैट मीन्स कि यहाँ के लोग जो है वो राइस को कल्टीवेट करते हैं। इसी वजह से यहाँ केरला वेस्ट बंगाल में क्या होता है कि नॉर्मली जैसे मान लो पंजाब है, तो वहां तो आपका खरीफ में राइस हुआ है ना, और रबी में क्या हुआ आपका, वीट हो गया या कुछ भी मस्टर्ड हो गया है ना, एक्स वाई जेड। लेकिन अगर ये पंजाब ना होके केरला होता है या फिर वेस्ट बंगाल होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग खरीफ सीजन में तो राइस ग्रो करते ही हैं, वो लोग रबी सीजन में भी राइस ग्रो कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी सॉइल है मार्शी, ठीक है, जिसमें और कोई क्रॉप जल्दी ग्रो होती नहीं है, तो थोड़ी यील्ड कम मिलती है, थोड़ी एटमोस्फेरिक कंडीशन को उन्हें एडजस्ट करना पड़ता है। लेकिन वो क्या करते हैं, रबी खरीफ दोनों में ही राइस ग्रो कर देते हैं, क्योंकि मार्शी टाइप की सॉइल में ग्रो ही राइस होगा, इसीलिए रबी सीजन में भी राइस ग्रो हो जाता है। तो इसलिए बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, ये वाली थोड़ी चीजें आप ध्यान रखोगे तो आपको याद रहेगा कि ऐसा क्यों होता है। स्पेसिंग की बात करें तो बहुत ही ज्यादा एकदम यू नो लाइक नॉर्मल बात है, इतनी कोई बहुत डिटेलिंग नहीं है जो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये क्या पूछ रही है ना। जनरली 20 बाय 10 सेंटीमीटर, दैट मीज मीन्स रोड टू रोड प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस है, रोड टू रोड बीस प्लांट्स टू प्लांट्स 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का डिस्टेंस रखा जाता है। ये आपका कैसे कैसे हो सकता है, 20 बाय 10, 20 बाय 15 या 10 बाय 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का डिस्टेंस हो सकता है। सीडलिंग पर हिल्स की बात करें तो अगर हाई यील्डिंग वेराइटी है तो 2 से 3 सीडलिंग्स पर हिल इज रिकमेंडेड। अगर हाइब्रिड है तो क्या होगा, तो टिलरिंग ज्यादा प्रोफ्यूज होती है, जिसकी वजह से 1 से 2 सीडलिंग पर हिल भी चल जाएगा। यानी कि हाई यील्डिंग वेराइटी है तो 2 से 3, हाइब्रिड वेराइटी है जिसमें टिलर्स काफी ज्यादा प्रोफ्यूज है तो 1 से 2 सीडलिंग पर हिल भी चल जाता है। अगर डेप्थ ऑफ प्लांट क्वालिटी कहें तो 2 से 4 सेंटीमीटर रखी जाती है। एक मेथड होता है डबल ट्रांसप्लांटिंग। तो डबल ट्रांसप्लांटिंग के लिए क्या किया जाता है, नर्सरी को मेल ही प्रिपेयर कर दिया जाता है, सीडलिंग जो कि 21 से 30 दिन की हो जाती है उसे सेकेंडरी नर्सरी में वापस से ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, जहां पे स्पेसिंग लगभग आपकी 15 से 20 सेंटीमीटर की रखी जाती है। और फिर एज ऑफ सीडलिंग ट्रांसप्लांटेड इन द मेल फील्ड इज 60 से 70 दिन। क्या मतलब हुआ कि पहले आपकी राइस की इस सीडलिंग को लिया, ठीक है, और उससे पहले प्राइमरी फील्ड में रखा कितने दिन तक, 21 से 30 दिन तक रखा, फिर उस सीडलिंग को बाहर लिया गया और उसे दूसरे फील्ड में अब रखा गया, ठीक है, दूसरा फील्ड है तो इसको ऐसे ऐसे दिखा देते हैं, ठीक है, दैट मीन्स ये दूसरा फील्ड है, ओके okay? ये दूसरे फील्ड में लेके गए इसको, और इस फील्ड में से कितने दिन के लिए रखा गया, इस फील्ड में लगभग इसको 60 से 70 दिन, है ना, 70 दिन के लिए रेस्ट, 60 से 70 डेज के लिए रखा गया, और फिर इसे मेन फील्ड में ट्रांसप्लांट किया गया, फिर मेन फील्ड में से लगाया गया। तो इसको हमने क्या किया, 2 बार इसकी ट्रांसप्लांटिंग हुई, इसलिए इसे डबल ट्रांसप्लांटिंग सिस्टम कहते हैं। तो थोड़ा बहुत है अंडरस्टैंडिंग के लिए बस। फिर एक और सिस्टम आता है आपका राइस कल्टीवेशन में, दैट इज SRI सिस्टम, काफी ज्यादा नाम सुना होगा आपने, है ना, दैट इज सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, राइस इंटेंसिफिकेशन। सो सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन SRI 1980 में डेवलप हुआ था बाय बाय योर साइंटिस्ट SJ हेनरी डी लियाने। कहाँ पे किया था इन्होंने, मेडागास्कर अफ्रीका में किया था, ओके okay? सो इन्होंने 1980 में, प्लीज पूछ लिया जाता है एमसीक्यू जब हम अभी करेंगे तो आप देखोगे ये सारी चीजें पूछी गई है। तो SRI सिस्टम 1980 में, ठीक है, हेनरी के द्वारा, हेनरी डी के द्वारा इन मेडागास्कर अफ्रीका में ये डेवलप किया गया था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्लांटिंग ली, ठीक है, यंग प्लांटलिंग ली, ठीक है, मतलब उन्होंने प्लांट किया यंग सीडलिंग्स को, सॉरी यंग सीडलिंग्स कैसे, जो कि 8 से 10 दिन के होते हैं, ओके okay?
और स्पेसिंग कितनी रखी, 25 बाय 25 सेंटीमीटर स्क्वायर की रखी। सीड रेट भी देख रहे हो आप कंपैरेटिवली कम है, दैट इज 6 to 7 kg पर हेक्टेयर लिया है। और यहाँ वाटर रिक्वायरमेंट भी काफी कम है, दैट इज 120 to 150 सेंटीमीटर। होता क्या है, और यहाँ पे प्लांटलिंग कितनी ली जा रही है, प्लांटिंग कितनी की जा रही है, तो सिंगल सीडलिंग पर हिल की जा रही है। नॉर्मली 2 से 3 सीडलिंग पर हिल की जाती है, बट यहाँ पे हम लोग एक सीडलिंग पर हिल लगाते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट बात, नो फ्लड इरिगेशन करते हैं। होता क्या है कि आपको मैंने बताया ना कि सबमर्ज कंडीशन में राइस के रूट्स रहते हैं ना, सबमर्ज कंडीशन में रहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनके ना एरेनकाइमा प्रेजेंट होता है, एक टिश्यू होता है एरेनकाइमा टिश्यू, जो इन्हें ऑक्सीजन अपटेक करने में और एनारोबिक कंडीशन में भी सर्वाइव करने में, या फिर आप कह सकते हो वाटर लॉक कंडीशन में भी सर्वाइव करने में हेल्प करते। ओके, अब एक बात बताओ, ये एरेनकाइमा टिश्यू एक प्रॉपर स्टेज पर डेवलप्ड होता होगा, सिंस इट इज एक्टिंग एज अ यू नो लाइक काउंटर इफेक्ट है ना, आपका एक तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है वाटर लॉक कंडीशन में होने के बावजूद, ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है और उस कंडीशन से बचाने में हेल्प कर रहा है एरेनकाइमा, एरेन ऑक्सीजन अपटेक इनटेक। लेकिन एक पर्टिकुलर स्टेज पे होगा, लेकिन जो सीडलिंग्स मात्र 8 से 10 दिन पुराने हैं, को लगता है उसमें एरेनकाइमा टिश्यूज उतने डेवलप हुए होंगे, नहीं डेवलप हुए होंगे है ना। इसी वजह से यहाँ पे हम फ्लड इरिगेशन नहीं करते, हम बहुत ही कम पानी डालते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे जो प्लांट्स हैं उनमें, हम जानते हैं कि उसमें एरेनकाइमा टिश्यू भी डेवलप नहीं हुआ है, तो हम नहीं चाहते कि वो हमारे खराब हो जाए, सड़ जाए, गल जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, इसलिए हम फ्लड इरिगेशन नहीं करते। जितना कम हो सके उतना पानी का एप्लीकेशन करते हैं। लेकिन यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, टाइम बच रहा है और साथ ही साथ आपको सीडलिंग्स पर हिल लेने की जरूरत भी कम पड़ जाती है। दैट मींस जो हम रिस्क को प्रिवेंट करने के लिए ज्यादा सीडलिंग्स लगा रहे हैं या ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हैं, तो सीड रेट ज्यादा रख रहे हैं, वो करने की हमें जरूरत नहीं पड़ती, किसमें, आपके SRI सिस्टम में। इतना ही काम है, इतना ही काम का है, इतना ही पूछा जाता है, ठीक है, मोर देन इनफ है। नाउ कम्स द सीजन, सो देयर आर 3 काइंड ऑफ सीजन, ऑस, अमन एंड बोरो। ओके, 3 टाइप के आपके राइस होते हैं, ऑस राइस, अमन राइस एंड बोरो राइस। ऑस राइस क्या होता है, ऑस इज अ ग्रुप ऑफ पीरियोडिकली फिक्स्ड मैच्योरिंग राइस वेराइटीज जो कि फोटो पीरियोडिकली इनसेंसिटिव होते हैं, सनलाइट की ड्यूरेशन का फ्लावरिंग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है ना। कुछ होते हैं आपके शॉर्ट डे प्लांट्स, कुछ होते हैं लॉन्ग डे प्लांट्स, राइट। आपका राइस खुद कैसा प्लांट है, अगर मैं एक जनरल नॉर्मल बात पूछूं आपसे, तो आप मुझे क्या बताओगे कि राइस जो है मैम, सॉरी, जो राइस है हमारा वो फाइबरस है। मैं कहूंगी अच्छा मैंने ये तो पूछा नहीं था, जो पूछा है वो बताओ आप। आप कहोगे मैम वो सेल्फ पॉलिनेटेड है। मैं कहूंगी अरे मैंने ये तो पूछा ही नहीं, मैंने तो आपसे सिंपल सी चीज पूछी थी कि वो क्या है, राइट, वो शॉर्ट डे है, लॉन्ग डे है, क्या है। तो आपने कहा मैम वो C3 प्लांट है। मैंने कहा अच्छा और बताओ। फिर आपने बोला कि मैम ये ना चैस्मोगैमी भी शो करता है, ठीक है, इसके फ्लावर कैसे होते हैं, चैस्मोगैमी शो करते हैं। मैं कहूंगी अरे अरे ये सब तो ठीक है, लेकिन जो मैंने पूछा वो बताओ। तो आप बोलोगे मैम पूछा क्या था, मैं कहूंगी कि शॉर्ट डे है कि लॉन्ग डे, तो आप बताओगे कि मैम ये तो शॉर्ट डे प्लांट है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंटर्स है, मतलब ठीक है लेम था, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, कन्वे यू इज कि ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, फाइबरस, सेल्फ पॉलिनेटर, C3, चैस्मोगैमी, शॉर्ट डे प्लांट, ओके। लेकिन आपके जो ऑस राइज होते हैं उनको फोटो पीरियोडिकली इनसेंसिटिव है, दैट मींस उनको सनलाइट से उतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा उनके फ्लावरिंग पीरियड को, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में यहाँ रखनी है। दिस राइज इज यूजुअली डायरेक्ट सीडेड, कब, मई से जून के टाइम यानी प्री मॉनसून के समय, और हार्वेस्ट कब कर लिया जाता है, सेप्टेम्बर से अक्टूबर के टाइम यानी इन द मिडल ऑफ मॉनसून। फिर नेक्स्ट आता है आपका ऑस अमन बोरो, तो ऑस राइस के बाद अमन राइस आएगा। अमन राइस जिसको कब सीडलिंग की जाती है, और जिसकी प्री मॉनसून यानी कि जून से जुलाई के आसपास, ठीक है, उस टाइम पे डीप वाटर रहना चाहिए, लगभग 1 से 6 मीटर तक का डेप्थ पे वाटर आपका रहता है, और ये फोटो सेंसिटिव होते हैं, इन्हें सनलाइट से फर्क पड़ता है इनके फ्लावरिंग को, ध्यान रखना ये बात। और इन्हें हार्वेस्ट कब किया जाता है, नवंबर से दिसंबर के आसपास। फिर आता है आपका बोरो राइस जो कि ट्रांसप्लांट किया जाता है, ठीक है, नो डायरेक्ट सीडिंग, नॉट सीडेड, ट्रांसप्लांटेड। कब ट्रांसप्लांट करते हैं, दिसंबर से जनवरी के टाइम, और हार्वेस्ट मार्च से अप्रैल के टाइम, और ये भी आपका फोटो इनसेंसिटिव होता है और ये इरिगेटेड कंडीशन में ग्रो किया जाता है।
तो आप क्या ध्यान रखोगे, ओस अमन बोरो, ओस जो है वो आपका फोटो इनसेंसिटिव है, अमन जो है वो आपका फोटो सेंसिटिव है, और बोरो आपका फोटो इनसेंसिटिव है अगेन। वेरी गुड। और कब करते हैं सीड, कब इसकी सीडिंग कब करते हैं और हार्वेस्टिंग कब करते हैं, ये दो चीजें ध्यान में रखोगे। फिर आती है आपकी बात वेराइटीज की। अब देखो वेराइटीज में देयर आर सम थिंग्स दैट वी नीड टू डिस्कस, सिर्फ आपकी ये वेराइटीज नहीं जो काम की है उतने ध्यान रखो। देखो इतनी सारी मैंने लिखी है ना, तुलसी आदित्य है ना, सत्कारी साकर हीरा कंचन कलिंगा थ्री वीएल धान, इस कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है बस वो देख लो, और पूरा पूरा करने की उतनी ज्यादा डिटेलिंग में आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, थोड़ी थोड़ी सी आप देख लोगे तो आपका काम हो जाएगा। ओके मैं भी आपको बताती हूँ कौन कौन सी है जो काफी इंपॉर्टेंट है जिसको आप ध्यान में रखोगे। इसमें तो ये कुछ वैरायटीज हो गई जो थोड़ा सा देख लेना, अब मैं आपको कुछ वैरायटीज लिखवा रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, जस्ट लेट्स हैव 1 मिनट वाटर ब्रेक। ओके फिर हम आगे अभी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, तो पेन कॉपी लेके बैठना, ठीक है, क्योंकि बातें काफी सारी हैं और सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। तो वैरायटीज में जो आप लिखोगे जो आपके काम की है वो ऐसे हैं कि फर्स्ट वैरायटी, डेवलप्ड बाय बाय प्राइवेट सेक्टर। पहली वैरायटी जो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा डेवलप की गई है राइस की, कौन सी वैरायटी थी? PHB 71। ओके ये फर्स्ट वैरायटी है जो कि डेवलप्ड बाय प्राइवेट सेक्टर है। बहुत अच्छे। वैसे फर्स्ट वैरायटी अगर मैं सिर्फ लिखूं तो वो कौन सी है आपकी फर्स्ट वैरायटी है ना, जो कि आपका भी पढ़ा आपने ग्रीन रेवोल्यूशन में भी, जिसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, सेमी ड्राफ्ट वैरायटी है, दैट इज योर TN1 ताइचो नेटिव 1, जो कि ताइवान से वैरायटी आई है ना। फर्स्ट म्यूटेंट वैरायटी की अगर बात करूं मैं, म्यूटेंट वैरायटी की अगर मैं बात करूं तो वो कौन सा आपका, तो वो है आपका जगन्नाथ, जगन्नाथ यहाँ कहीं पे लिखा हुआ मैंने देखा था अभी, तो आप उसमें से भी लिख सकते हो, ऐसे जगन्नाथ है। और ये जगन्नाथ बनी किससे है, तो ये बनी है आपकी TN141 के क्रॉस से बनी है। अच्छा अगर आपको कहीं पे ऐसा होता है पेपर में कि जगन्नाथ नहीं देखने को मिलता, तो आपको जगन्नाथ के अलावा कौन सा देखने को मिल सकता है, तो आपको जगन्नाथ के अलावा देखने को मिलेगा 27। ओके ये लिखा हुआ है ना 27, अगर जगन्नाथ नहीं देखने को मिलता है तो मैं बताऊं तो फिर क्या करोगे, परेशान नहीं होगे, सतारी को टिक कर दोगे। बहुत बढ़िया। अच्छा एक और है, नाम पूछूंगी 1 मिनट। फर्स्ट सुपर एरोमैटिक वैरायटी बासमती राइस की, बासमती की कौन सी है? दैट इज योर पूसा RH10। ओके इसके अलावा मैं और डिस्कस करती हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा म्यूटेंट लिखवा दिया ना, सेलाइन टॉलरेंट, अगर सेलाइन टॉलरेंट की बात करें तो SR26B इज अ फेमस वैरायटी, शायद सॉल्ट टॉलरेंट यहाँ पे मैंने लिखा होगा। हाँ CSR5 भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे लिख लेना है ना, CSR5 ये भी सेलाइन टॉलरेंट है। रेजिस्टेंट टू टुंग्रो वायरस, रेजिस्टेंट टू टुंग्रो वायरस कौन सी है, टुंग्रो वायरस से रेजिस्टेंट वैरायटी, तो टुंग्रो वायरस से रेजिस्टेंट वैरायटी है आपकी विक्रम मार्या। अगर टुंग्रो वायरस की जगह लिखा हुआ रहा रेजिस्टेंट टू गॉलमाइड, GALLMIDGE गॉलमाइड, तो आप क्या लिखोगे, फाल्गुना, PHAL फाल
गुना, GUNA गुना, ओके ये भी रेजिस्टेंट वैरायटी है। अच्छा वर्ल्ड की फर्स्ट सुपर राइस वैरायटी कौन सी है जो कि आपकी सेलाइन और एल्कलाइन दोनों में काम चल जाती है, तो प्लीज राइट इट डाउन, दैट इज योर लूनाश्री, ठीक है, या लूनाश्री आप जो भी बोलते हो। ये क्या है, ये फर्स्ट सुपर राइस वैरायटी आप कह सकते हो, वर्ल्ड की फर्स्ट सुपर राइस वैरायटी है जो कि टॉलरेंट है सेलाइन में भी और एल्केलाइन में भी, ठीक है, एल्केलाइन सॉइल में भी और सेलाइन कंडीशन दोनों में। फर्स्ट हाई यील्डिंग वैरायटी डेवलप्ड बाय इंडिया, जया, ठीक है, फर्स्ट हाई यील्डिंग वैरायटी जो कि डेवलप की गई किसके द्वारा, बाय इंडिया, दैट इज योर जया, है ना, वेरी 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 फेमस, बहुत सब सब बच्चे जानते होंगे इसके बारे में। इसी को मिरेकल राइस भी कहते हैं इन इंडिया, मिराकल राइस ऑफ इंडिया, है ना। और क्या क्या होता है इसे, हो गया इतना ही है। चलिए और एक और डिस्कस कर लेते हैं। आपको पता है गोल्डन राइस, गोल्डन राइस किस में रिच होता है, तो गोल्डन राइस जो होता है वो विटामिन ए में रिच होता है। अब विटामिन ए की जगह और क्या लिखा मिल सकता है पेपर में, तो बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस बात है कि बीटा कैरोटीन देखने को मिल सकता है ना, बीटा कैरोटीनॉइड देखने को मिल सकता है, सो इट इज नॉट अ बिग डील, हमें इतनी तो बात पता ही है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वेराइटीज है जो कि आप लिख लोगे अपने नोटबुक में जब भी आप करोगे, आगे बढ़े वीडियो को पॉज करना और लिख लेना, ये साथ साथ लिख रहे थे तो बेस्ट थी, मैंने तो यही सजेस्ट कराया था आपको कि आप साथ साथ लिखते हो ना। जनरल रिकमेंडेशन की अगर मैं बात करती हूँ तो आपका लगभग रहता है 120 to 150 kg नाइट्रोजन, 30 to 60 kg P2O5, 20 to 40 kg K2O, ओके आपको ये कैसा लिखा हुआ मिलेगा देखने को, ऐसे 120:60:40, ठीक है, मोस्ट ऑफ द जगह ये देखने को मिलेगा, किसी किसी जगह ये देखने मिलता है बट यू कैन इजिली इग्नोर इट, एंड याद रखना ये वाला। अब इसके साथ ना E2 में आपको मतलब 25 भी देखने को मिलेगा, ये 25 kg पर हेक्टेयर क्या है, जिंक की क्वांटिटी है, ठीक है, तो इसमें जिंक की भी जरूरत पड़ती है, ध्यान रखना। अच्छा कार्डिनल टेम्परेचर मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, तो आप लिख लेना कि कार्डिनल टेम्परेचर मतलब जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है कितना होता है राइस कल्टीवेशन के लिए, तो कार्डिनल टेम्परेचर लगभग 30 से 32 डिग्री सेल्सियस रहता है। मैम फिर एक ऑप्टिमम टेम्परेचर भी, ऑप्टिमम पीएच भी बता दो तो फिर अच्छा रहेगा, तो सुन लो ऑप्टिमम पीएच कितना रहना चाहिए, आपको क्या लगता है, मेरे को तो लगता है 4 to 6 pH रहना चाहिए, ओके तो यही होगा सही आंसर। चलो चलो चलो, वीड कंट्रोल, तो सबसे ज्यादा जो वीड इसमें लगता है सबसे ज्यादा कॉमन वो है इकोनकोला, ओके, और इसको कंट्रोल करने के लिए जो सबसे ज्यादा मेथड, सबसे ज्यादा कॉमनली यूज आपका हर्बिसाइड रहता है वो क्या रहता है, एनी आइडिया, एनी 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 आइडिया, यस इट इज प्रोपेनल, ओके, वो मैंने इग्नोर इसलिए किया क्योंकि वो नहीं है इम्पोर्टेंट, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो प्रोपेनल का नाम ध्यान में रखना, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे सबसे ज्यादा यूज किया जाता है और ये आपका सबसे कॉमनली लगने वाला वीड है, किस पे, राइस के ऊपर। मेजर वीड्स, इसके अलावा कुछ और वीड्स के मैंने यहाँ नेम नाम लिख दिए हैं। यील्ड की बात करें तो ग्रेन कंटेन अबाउट 20 to 25% मॉइस्चर एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग, याद रखना इंडिया में एवरेज यील्ड पर हेक्टेयर बोला जाए तो वो आपका लगभग 3.62 टन रहता है पर हेक्टेयर ऑफ कोर्स, और पोस्ट हार्वेस्टिंग, हाँ ये देखो इसमें ये चीज ध्यान में आपको क्या याद रखना है कि मैंने आपको बताया कि मॉइस्चर हार्वेस्टिंग के टाइम 20 से 25% रहता है, और उससे हम हार्वेस्ट कब करते हैं, हम जब उसमें देखते हैं कि 20 से 16% मॉइस्चर है तब हम उसे हार्वेस्ट कर लेते हैं, और इसको ड्राई करते हैं, कितना ड्राई करते हैं, तो लगभग जब तक हमारे पास 22 से 16% मॉइस्चर ना बच जाए तब तक हम इसको ड्राई करते हैं, ठीक है, कब तक, इतना पे, उसके बाद हम क्या कर देंगे, उसके बाद हम इसकी थ्रेशिंग कर देते हैं। ये कुछ फोर हार्वेस्टिंग स्टेप्स हैं जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ था हेडिंग में, पोस्ट हार्वेस्ट केयर स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग, तो देयर आर फ्यू स्टेप्स। सबसे पहले आपका माइलिंग की बात करते हैं, तो माइलिंग क्या होता है, आप जानते हैं राइस में जो ऊपर रहता है उसको हटाया जाता है फिर उसको मिल्स में भेजा जाता है ना, तो वेरियस ऑपरेशन इन राइस मिल क्या क्या है, सबसे पहले एक साफ किया जाता है, फिर उसके हस्क को रिमूव करते हैं ना, उसके ऊपर जो हस्क रहता है ब्राउन उसे रिमूव किया जाता है, फिर उसे सेपरेट किया जाता है, फिर उसके बाद पैडी को सेपरेट करते हैं। अभी पैडी कैसे आपका ब्राउन कलर का है क्योंकि उसमें वो एल्यूरॉन लेयर है, तो वो आपका ब्राउन राइस है, उसकी पॉलिशिंग की जाती है, उसकी ग्रेडिंग की जाती है। पॉलिशिंग मतलब माँ, पॉलिशिंग मतलब बेटा उसका रिमूवल किया जाता है, उसमें जो एल्यूरॉन लेयर है उसको रिमूव किया जाता है,
ताकि ब्राउन राइस को व्हाइट राइस में कन्वर्ट किया जा सके। फिर इसकी ग्रेडिंग करते हैं। ग्रेडिंग क्या, व्हाइट को अलग किया, ब्राउन को अलग किया, अलग अलग ग्रेड की, अलग अलग क्वालिटीज की, है ना, अलग अलग क्वालिटीज की आपकी राइस की अलग अलग ग्रेडिंग हो गई, सेपरेशन हो गया, उसी को हम ग्रेडिंग कहते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, द परसेंटेज ऑफ व्हाइट राइस ग्रेन ऑब्टेन इन पैडी आफ्टर माइलिंग इज अबाउट 66%, यानी कि 2/3 ऑफ वेट ऑफ पैडी। 66 की जगह आपको 2/3 देखने को मिल सकता है। एक नेक्स्ट इज योर पैराबॉइलिंग। पैराबॉइलिंग एक हाइड्रोथर्मल प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, मील जो मीलिंग राइस है उसको हम आपका पहले सोक करते हैं पानी में, उसके बाद उसे स्टीम करके ड्राई करते हैं। इससे क्या होता है कि न्यूट्रिएंट वैल्यू बढ़ जाती है, उसमें विटामिन B12 के कंटेंट की इंक्रीमेंट हो जाता है, ठीक है, और साथ साथ उसकी माइलिंग क्रॉप प्रॉपर्टी भी एनहांस होती है। वो ब्रेकेज ग्रेन में नहीं होता जब उस ग्रेन को हम अलग करते हैं, और साथ ही साथ अगर ग्रेन में कोई भी ब्रेकेज है तो वो बॉईल करने के टाइम वहां से वो डिसॉल्व हो जाता है, ओके, और वो ग्रेन आपका प्रॉपर से चिपक जाता है, जुड़ जाता है, और हमें ब्रेक हमें जो उसमें से अलग अलग क्वालिटीज, जो थोड़ी डिग्रेडेड क्वालिटीज थी वो मिलने से हम बच जाते हैं, ओके। पैराबॉइलिंग राइस हलिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग राइस हस्क फ्रॉम ग्रेन्स। इम्पैक्ट हलिंग इज नॉर्म फॉर पैडी राइस ग्रेन प्रोसेसिंग बिकॉज इट प्रोड्यूसेस हायर क्वालिटी हर्ड ब्राउन राइस। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको कैसी हायर क्वालिटी की राइस मिलती है, लगभग हलिंग परसेंटेज अगर आपसे कोई पूछ ले तो अभी ऊपर भी बताया था 66%, और एल्स आपको 2/3 के फॉर्म में लिखा हुआ देखने को मिलेगा, नहीं तो 60 से 65 या 66% कई जगह पे आपको कुछ बुक्स में देखने को मिलता है लिखा हुआ। सो डोंट गेट कंफ्यूज विद इट। अगर रेंज होगा तो 60 से 66 के बीच में रहेगा, अगर फ्रैक्शन में रहेगा तो 2/3, और एग्जैक्ट परसेंटेज रहेगा तो 66%, ठीक है, 65-66% देखने को मिलेगा। अब जब राइस की मिलिंग कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, दो चीजें मिलेंगी, अभी हमने बात किया, एक हम हस्क को सेपरेट कर रहे थे तो हमें मिलेगा हस्क, राइट, एक हम किसको सेपरेट कर रहे थे, पैडी को, तो हमें मिलेगा पैडी, है ना, और क्या मिलेगा, हम ब्रांड जिसे हमने बोला। तो हस्क इट इज यूज्ड एज डोमेस्टिक एंड कमर्शियल फ्यूल, लगभग इट हैज अबाउट 20% ऐश, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग सोडियम सिलिकेट, सिलिका जेल एंड चारकोल। फिर आता है आपका ब्रांड। ब्रांड जो है इट इज ए एल्यूरॉन लेयर सेपरेटेड फ्रॉम ब्राउन राइस। अब इस पैडी को अभी हम क्या कह रहे थे, ब्राउन राइस कह रहे थे, इसमें से जब हम एल्यूरॉन लेयर को हटा देंगे तो हमारे पास व्हाइट राइस बचेगा, है ना, तो जब हम ब्राउन राइस से व्हाइट एल्यूरॉन लेयर को हटा देते हैं तो व्हाइट राइस हमें मिलता है, वो एल्यूरॉन लेयर को हम ब्रान बोल देते हैं। इसमें लगभग 12 से 15% प्रोटीन, 14 से 25% ऑयल और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है। इसी चीज के वेस्टेज को बचाने के लिए हम पैरा बॉइलिंग करते हैं, जिसकी वजह से विटामिन बी जो है वो वापस से उन राइस ग्रेन्स में भी पहुंच जाता है और न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ जाती है राइस की। तो पैरा बॉइलिंग करना चाहिए, कि अच्छा इंपॉर्टेंट स्टेप है। राइस इज यूज फॉर ऑयल एक्सट्रैक्शन एंड एनिमल फीड। चलिए, नाउ देयर आर सम डिजीज। अब इसमें कुछ भी खास एक्सप्लेन करने का नहीं, तो आपका क्या होमवर्क रहेगा, ऑफ कोर्स होमवर्क मिलेगा, बिल्कुल जी मिलेगा। ये रही आपकी डिजीज, सबसे पहले राइस ब्लास्ट, जिसे रॉटन नेक डिजीज के नाम से जाना जाता है और रिचमेंड डिजीज के नाम से जाना जाता है, ओके, ये किसकी वजह से होता है, ओके, इसका मेजर कौन सा सिम्टम है, जैसे कि इसमें डायमंड स्पिंडल शेप लेसन हो जाते हैं, है ना, ब्लास्ट बर्न्ट अपियरेंस होने लगता है, कहाँ पे, लीव्स पे, और ये क्रॉप की स्टारी स्टेजेस पे अफेक्ट करते हैं सबको, लीव्स हुआ, चाहे नोड्यूल्स हुए, है ना, चाहे ग्लूम्स हुए, रिचेस, और सबको ये अफेक्ट कर देते हैं, और विंड की वजह से ये स्प्रेड भी हो जाते हैं, स्प्रेड बाय विंड, दैट मीन्स दे आर एयरबोन डिजीज। हाईली ससेप्टेबल वेराइटीज की कौन सी है, IR50, और टॉलरेंट वेराइटीज कौन कौन सी है, हियर द नेम इज गिवन। यही आपका होमवर्क है कि इसको आप 3-4 बार पढ़ोगे और ये आप डिजीज जो है याद करोगे और PYQs में ढूंढोगे कि कौन कौन से राइस के डिजीज से पूछा गया है, ठीक है, जैसे बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट जेंथोमोनास की वजह से होता है ना, इसमें ग्रेन की क्वालिटी पुअर हो जाती है और ब्रोकन कर्नल की परसेंटेज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये डिजीज कब आती है कंसिडरेशन में, एट द टाइम ऑफ हेडिंग, जिसकी वजह से कॉज डेथ ऑफ इंटायर सीडलिंग। सिम्टम्स क्या है, लीफ ब्लाइट के पेल येलो स्पॉट्स देखने को मिलेंगे और कैसेक, जो कि एक तरीके का विल्टिंग है, आपको देखने को मिलता है,
और इसकी रेजिस्टेंट वेराइटीज कौन सी है? IR20, 29, 32, 34 एंड IR34। ठीक है, फिर आता है आपका टुमरो वायरस। टुमरो वायरस जो है ये ट्रांसमिटेड किसके द्वारा होती है? वायरस है, अब वायरस है तो इसको कोई ट्रांसमिटिंग के लिए चीज चाहिए, तो वो है आपका ग्रीन लीफ हॉपर। कौन सा है? ये नाम ध्यान में रखना। और ये किस वायरस के द्वारा होती है? तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये सारे ग्रोथ स्टेज को अफेक्ट करता है, स्पेशली योर वेजिटेटिव स्टेज। इसकी वजह से क्या क्या होता है? तो लीफ का डिसकलरेशन हो जाता है, टिलरिंग का नंबर कम हो जाता है, स्टेराइल हो जाते हैं ग्रेन्स, है ना, पार्शियली फील्ड रहेंगे, येलो एंड स्टंट लीफ ग्रोथ हो जाएगी। टॉलरेंट वेराइटीज पंखरी 203 एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर आपका ब्राउन स्पॉट डिजीज, जिसको जो किसकी वजह से होता है, हेलमेंथोस्पोरियम की वजह से, या फिर बाइपोलारिस भी आपको कई कई जगह लिखा मिलेगा। इसे पुअर्स मैन डिजीज भी कहते हैं, क्योंकि ये ऐसी फील्ड में होता है जहाँ पे सारे बहुत सारे न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी होती है स्पेशली, और पोटास डेफिशिएंट सॉइल वहां पे सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। यहाँ पे फंगस जो है वो अटैक करता है सीडलिंग टू मिल्किंग स्टेज। सिम्टम्स क्या है? तो माइन्यूट स्पॉट्स देखने को मिलेंगे कॉलेप्टाइल में, लीफ ब्लेड्स पे, लीफ शीट्स पे, ग्लूम्स पे, है ना, लीफ ब्लेड्स और ग्लूम्स मैं आपको बता चुकी। ब्राउन स्पॉट वाज कंसिडर्ड टू बी मेजर फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग ग्रेट बंगाल फेमाइन इन 1945। दो बार आया था, 1943 वाले की बात हो रही है। इसके टॉलरेंट वेराइटी कौन कौन सी है? आपकी भवानी एंड CO4। ओके, इसमें ज्यादा एक्सप्लेनिंग है नहीं, इसलिए मैं क्विकली क्विकली बोल रही हूँ। ये मत सोचना कि मैम ने छुड़वा दिया, कुछ नहीं छुड़वाया। ओके चलो, बकानी डिजीज जिसे फुट रॉट या फुलिश सीडलिंग डिजीज भी कहते हैं, इससे रिलेट करके मुझे जिब्रेलिन याद आ रहा है ना, और वो साइंटिस्ट याद आ रहा है, कुरुसोवा, कुरुसावा, ऐसे कुछ नाम था ना उनका, याद करो। चलो, कॉजल ऑर्गन नाम ध्यान रखना है, कौन से स्टेज पे ध्यान रखना है? थोड़ी लाइन टेढ़ी हो गई ना, इसको रिमूव ही कर देते हैं, इससे अच्छा आप कंफ्यूज हो लाइन ही हटाओ। ये कैसी डिजीज है? ये सीड बॉर्न फंगल डिजीज है। ये आपका सीडलिंग और टिलरिंग स्टेज पे अफेक्ट करते हैं। यहाँ पे प्लांट्स जो है ना वो बहुत सर्वल चेंजेस टॉलर हो जाते हैं देन दी नॉर्मल प्लांट्स, और इनमें प्लांट्स होते हैं वो बहुत थिंग होते हैं, थिन थिन लॉन्ग इंटरनोड्स देखने को मिलेंगे, रूट सिस्टम कुछ ज्यादा ही बुशी हो जाता है, और इसमें जो स्पाइकलेट्स प्रोड्यूस होते हैं दे आर स्टेराइल इन नेचर। फिर एक शीत ब्लाइट आता है, ठीक है, ये फंगस अटैक कब करता है? टिलरिंग से हेडिंग स्टेज के बीच में। सिम्टम्स तो लीफ शीट्स प्रेजेंट होते हैं ना ऑन द सेम शीट, ओवल एंड एलिप्टिकल और इरेगुलर ग्रीनिश ग्रीन स्पॉट्स आर फॉर्म। एज दी स्पॉट्स एनलार्ज द सेंटर बिकम ग्रेश व्हाइट विद द इरेगुलर ब्लैकिश ब्राउन और पर्पल ब्राउन बॉर्डर। नेक्स्ट, ये आपकी छोटी छोटी सी है, जब से पहले खैरा डिजीज, जो कि आपकी जिंक की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, येलो पैचेस हो जाते हैं लीफ बेस पे, ठीक है, और आपकी जिंक की डेफिशिएंसी की वजह से स्पाइकलेट सेरालिटी भी देखने को मिलती है, इसलिए आप जिंक का स्प्रे करिए। मैंने आपको जिंक का कंसंट्रेशन भी बताया था, इसलिए रखना चाहिए। एक होता है अकोइची डिजीज, AKIOCHI, अकोइची, ये आपके H2S की टॉक्सिसिटी की वजह से होता है, ठीक है, यही आपका होमवर्क, इसके बारे में पता करके थोड़ा सा रखना। फॉल्स मिट किसकी वजह से होता है? व्हाइट आई ऑफ राइस आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। सिलिका की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है? राइस के क्यूटिकल्स बहुत ड्रूपी और सॉफ्ट हो जाते हैं, और हेयर कम्स योर अकोइची डिजीज, जिसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है ना। चलो, ये होमवर्क भी यहीं पे हो गया, मुझे लगा मैंने नहीं लिखा है। तो अकोइची आर डिजीज ऑफ राइस एसोसिएटेड विद सल्फाइट टॉक्सिसिटी। सल्फाइट टॉक्सिसिटी कॉजेस रूट्स टू बी कोर्स एंड रिड्यूसेस न्यूट्रिशन अपटेक बाय प्लांट, रिड्यूसिंग रूट रेस्पिरेशन और मेकिंग द रूट्स कोर्स। ओके चलिए, सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर, और ये खत्म हो गया आपका क्या? आपका राइस कल्टीवेशन। अब अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे? एग्रोनॉमी के अगले में हम लोग वीट और मेज को डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो बाय बाय, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं अगले लेक्चर में। एक दो दिन में आपके क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट हो जाएंगे, तो 10 से 11 बजे के टाइम पे, रात को ऑफकोर्स, तो मैं आपको शॉर्ट्स के थ्रू नोटिफाई कर दूंगी सुबह सुबह, ठीक है? चलिए, पढ़ लीजिएगा, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।